नमस्कार, अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। भारत के उपराष्ट्रपति माननीय श्री एम वेंकैया नायडू, उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को एक वैश्विक शिक्षा केंद्र बना देगी। k.kasturiranjan की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक प्रारूप तैयार किया था, जिसके अनुसार 1986 के बाद पहली बार एक व्यापक स्तर पर शिक्षा नीति तैयार की गई है। शिक्षा नीति के 4 आधार हैं: उपलब्धता, समानता, गुणवत्ता, सुलभता। 3 वर्ष से 6 वर्ष के सभी बच्चों को 2025 तक उच्च कोटि की शिक्षा के साथ साथ देखभाल की व्यवस्था की जाएगी। 2025 तक सभी बच्चे उम्र के अनुसार साक्षरता और अंक ज्ञान प्राप्त करने लगेंगे। शैक्षिक पढ़ाई के साथ साथ व्यावसायिक पढ़ाई की सुविधा भी दी जाएगी। ऐसी परीक्षा प्रणाली को आत्मसात किया जाएगा जिससे बच्चे तनाव से मुक्त होकर सही ज्ञान प्राप्त कर सकें। इसी तरह 3 से 18 वर्ष के बीच के सभी बच्चों को 2030 तक विद्यालय की शिक्षा मिले, इसके लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम का दायरा 12वीं कक्षा तक बढ़ा दिया गया है। अच्छे शिक्षक तैयार हों, इसके लिए 4 वर्षों का एक कठोर प्रशिक्षण शिक्षकों को दिया जाएगा। भारत में वर्तमान में चल रहे 800 विश्वविद्यालयों और 40,000 से अधिक महाविद्यालयों को जोड़कर 10 से 15,000 ऐसे प्रमुख संस्थान बनाए जाएंगे जिनके आधार पर उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। देखिए, शिक्षा पे प्रयोग और प्रयोगवादी शिक्षा दो अलग अलग चीज़ें हैं। शिक्षा तो वास्तव में हमको इतना ट्रेन करती है, हमको व्यक्ति को योग्य बनाती है कि व्यक्ति फिर उस पर प्रयोग करने लगता है। भारत में असल में भारत की शिक्षा बहुत ही अच्छी थी। शिक्षा एक राष्ट्रीय लक्ष्य जो प्रत्येक नागरिक की पहुँच तक होना चाहिए, और इस बार ये जो शिक्षा नीति बनाई गई, जो अभी रखी गई है, 1986 के बाद दोबारा फिर शिक्षा नीति बनी है, इसका पूरा प्रयास है कि इसमें देश के 130 करोड़ की जो आबादी है, हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर समाज, हर जाति धर्म के हिसाब से हर व्यक्ति तक इसकी पहुंच हो। इसमें एक चीज़ और आई है कि इस बार थर्ड जेंडर के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है कि थर्ड जेंडर भी शिक्षा से वंचित ना हो। शिक्षा वास्तव में क्या होती है, इसके 4 अन्य आयाम रखे हैं। जानने के लिए सीखना, मतलब कोई नई चीज़ है, जो भी नया, जैसे बच्चा है तो स्कूली शिक्षा में वो जानेगा कि क्या चीज़ है, अक्षर ज्ञान है, गिनती है, ये सब जानने के लिए सीखना। फिर इसके बाद जब मिडिल में आता है तो यहाँ पे आ जाता है करने के लिए सीखना, यानी उसको करना है। तो प्राइमरी में तो उसने जाना, प्राइमरी में जानने के बाद उसने आगे बढ़ाया करने के लिए। फिर इसके बाद है साथ रहने के लिए सीखना, यानी हम कैसे रहेंगे, हमारा समाज कैसा है, हम उसमें किस तरीके से रहेंगे, हमको किस तरह से रहना है, सर्वाइव कैसे करना है, बिजनेस करना है, खेती करना है, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है। और फिर होने के लिए सीखना है, यानी आपका हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व बनना चाहिए, व्यक्ति की एक पर्सनालिटी बनना चाहिए। डॉक्टर है, डॉक्टर की अपनी एक पर्सनालिटी है, इंजीनियर की अपनी एक पर्सनालिटी है, मैनेजमेंट वाला है उसकी अपनी पर्सनालिटी है, नेता है उसकी अपनी पर्सनालिटी है, खिलाड़ी उसकी अपनी पर्सनालिटी। यानी शिक्षा हमको होने के लिए सिखाती है कि मतलब आप क्या सीख सकें। इसी उसमें भारत में तो वैसे भी शिक्षा के बारे में ज़्यादा हमको चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत में पाणिनी, चाणक्य और आपके ब्रह्म भट्ट है ना, ये सारे एक लंबी फहरिस्त है। नागार्जुन है, आपके बाण भट्ट हैं, चाणक्य हैं, सुश्रुत हैं, चरक हैं, आर्यभट्ट हैं, एक पतंजलि है, एक लंबी फहरिस्त है जिसने कि पूरे विश्व को शिक्षा का मार्गदर्शन दिया, पूरे विश्व को शिक्षा के बारे में जानकारी दी। लेकिन बाद में क्या हुआ, मैकाले ने आके सबसे पहले अटैक हमारी शिक्षा प्रणाली पे किया। उसने कहा कि भारत में यहाँ पे जो गुरु शिष्य का संबंध है, इस शिष्य को जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे भारत पे हम राज नहीं कर सकते। इसलिए आपने देखा होगा कि अंग्रेज़ों के काल में मैकाले ने, उसके पिताजी ने कहा था मैकाले से, तुम यहाँ पर राज करो तो सबसे पहले यहाँ की शिक्षा प्रणाली को ख़त्म करो। तो अंग्रेजों ने जो शिक्षा प्रणाली ख़त्म करी, उसके बाद से आप देखिए आज़ादी के बाद भी स्थिति यह है कि हमारी अपनी भाषाई संस्कृति नहीं रह गई, हमारी अपनी शिक्षा प्रणाली नहीं रह गई। लेकिन इस बार जो शिक्षा प्रणाली आई है, ये वास्तव में व्यक्ति को एक कमिटमेंट के साथ है। इसमें एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी बनाया जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होती है,
हमारे यहाँ जब तक कोई कमीशन नहीं बनता है, कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती है, तब तक उसके वांछित लक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं। तो मैंने जो उसका ड्राफ्ट आया है अभी प्रारंभिक तौर पे, उसको मैंने जो पढ़ा उसमें बहुत से हैं, जैसे हायर एजुकेशन के लिए दिया है कि हायर एजुकेशन में जो है वित्तीय जिम्मेदारी भी होगी, शैक्षणिक जिम्मेदारी भी होगी और स्वायत्तता भी होगी, ऑटोनॉमी भी होगी। अभी हमारे ऑटोनॉमी जो ऑटोनॉमस कॉलेज है उनको पूर्ण ऑटोनॉमी नहीं है, अब वो ऑटोनॉमी की भी बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, लोगों को उसके साथ जोड़ रहे हैं, उसमें आपका वित्तीय प्रबंधन की भी बात कर रहे हैं। और इसमें उन्होंने कहा है कि हम बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, वाइस चांसलर हैं, इन सब की जिम्मेदारियां देंगे, हमारा एजुकेशन सिस्टम को बदलेंगे। परीक्षा प्रणाली अभी हमको क्या कर रही है, हम 5 प्रश्न पढ़ के याद करके परीक्षा पास कर रहे हैं। शिक्षा नीति ये कह रही है वर्तमान में कि ये आपको करने के योग बना रही है, आपको लक्ष्य दिखा रही है। मैंने आपको पहले ही कहा कि देखिए शुरू में है कि शिक्षा वास्तव में क्या है, जानने के लिए हम सीखते हैं, हमारा है जानने के लिए सीखना, कुछ करने के लिए सीखना, साथ रहने के लिए सीखना, ये 2-4 पॉइंट हैं, होने के लिए सीखना, ये 4 बेसिक चीज़ है शिक्षा यानी सीखने की बात। अभी हम देख रहे हैं हमारी जो शिक्षा नीतियाँ हैं उसमें सीखने का पार्ट ही गायब हो गया, स्किल की बात खत्म हो गई है। स्किल की बात खत्म होने के कारण क्या हो रहा है कि हम सिर्फ नौकरियों के भाग रहे हैं। हमारी जितनी भी अभी एक स्टडी आई थी उसमें बताया गया कि 99% हमारे यूथ जो हैं शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने के लिए कर रहे हैं कि हमको नौकरी मिल जाए, बाकी उनका कोई अचीवमेंट नहीं है, शिक्षा ग्रहण करने के प्रति कोई लक्ष्य नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इस बार ये रखा गया शिक्षा नीति में जो बच्चे को सीखने सिखाने के लिए प्रेरित करेगी और उसको एक लक्ष्य बताएगी, क्योंकि उस लक्ष्य पे चढ़ के आप उच्च मुद्दे पे पहुंच सकते हैं। आप हमारे जो हायर एजुकेशन है उसमें रिसर्च को भी परमानेंट डाला जा रहा है कि आपको रिसर्च भी करना पड़ेगा, शोध भी करना पड़ेगा, ये हमारे कुछ खास मुद्दे हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये शिक्षा नीति वास्तव में 2030 तक भारत को एक बदले हुए आयाम में, एक बदले हुए क्षेत्र में ले जाएगी। और भारत वास्तव में जो अभी कहा जा रहा ना कि बहुत बड़ी इकोनॉमी बन रहा है, अभी भी 5वीं विश्व की अर्थव्यवस्था बना है, उच्च शिक्षा में जो हम काफ़ी पिछड़े हुए हैं और उसमें आप देखेंगे भारत नंबर 1 पे आएगा। और मेरे को विश्वास है कि ये शिक्षा प्रणाली या नई शिक्षा नीति जो प्रारूप आया है 2030 में भारत को बहुत आगे ले जाएगा। जय हिंद, जय भारत। सवेरा हो गया है, चिड़िया घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम।